आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपके काव्य खंड के, गद्य खंड के, बेतान के ओके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए, वस्तुनिष्ठ बता दिए, साथ ही अभिव्यक्ति और माध्यम के भी मैंने आपको कहा है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिखने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो अगर मेहनत अच्छी सोच और न हारने मानने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने क्या है, घुटने टेक देती है। तो दोस्तों हमारा पहला आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है चलना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आ गया प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर द्वारा प्राप्त संदेश की डेट की जाती है, क्या की जाती है, डिकोडिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, हमारा संचार कहलाता है। संचार की परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट, भारत में छपने वाला पहला अखबार था, तो भारत में पहला अखबार कौन सा था जो छपा था, तो वो था आपका बंगाल गजट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला निजी टीवी चैनल है, तो निजी टीवी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, पत्रकारिता का मूल तत्व है, तो पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा। ओके, नेक्स्ट है, संचार माध्यमों के उपभोक्ता होते हैं, डेटा डेस्क होते हैं, तो जाएगा आपकी ये सभी होते हैं, मतलब पाठक भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, श्रोता भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा, पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, तो कौन सा स्तंभ है, चौथा स्तंभ। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो कौन होता है, तो संपादकीय प्रश्न। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल मूलतः इस भाषा में लिखी गई है। ओके, तो मूलतः किस भाषा में लिखी गई, तो इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, डच भाषा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को क्या कहा जाता है, पटकथा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पटकथा की मूल इकाई है, तो इसका राइट आंसर आपका दृश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कहा है प्रीवियस पेपर में आ चुका, तो ये एक वाक्यन के रूप में आता है, एक वाक्यन के रूप में पूछा गया था, पटकथा की मूल इकाई क्या है, दृश्य। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट है, बैठक या बोर्ड के फैसले का लिखित रूप होता है, तो हो जाएगा परिपत्र। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, वायु डाटा की भाषा होनी चाहिए, तो वायु डाटा की भाषा कितनी क्या होनी चाहिए, सरल और एकदम सीधी होनी चाहिए। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। ओके, जितने दोस्तों मैं आपको वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ, वीडियो को देखते ही देखते याद कर लीजिएगा। ओके, तो आपको क्या है, आसानी होगी, तो देखते ही देखते आपको याद करते जाना, प्रैक्टिस करते जाइएगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पहला हमारा, समाचार पत्र पत्रिकाएं रेडियो टीवी सेवा इंटरनेट डेटाडेस्क की आधुनिक माध्यम है, तो जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डेटाडेस्क में हुई, तो 1936 में हुई थी, याद रखिएगा, अक्सर ये सही जोड़ी में आता है। ओके, नेक्स्ट है, डेटाडेस्क जनसंचार का लोकप्रिय है वह सबसे नया माध्यम है, तो इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को डेटाडेस्क कहते हैं, फीडबैक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिकोडिंग डेटाडेस्क की उल्टी प्रक्रिया है, तो कहा जाएगा एनकोडिंग की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डिकोडिंग एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट है, मध्यम वर्ग का सवेरा डेटाडेस्क पढ़कर होता है अखबार, तो अखबार दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, पत्रकारिता डेटाडेस्क का प्रतिबिंब है, तो पत्रकारिता हमारा यथार्थ का प्रतिबिंब है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों हमारा, जो बात हजारों शब्दों से स्पष्ट नहीं की जा सकती वह एक डेटाडेस्क कह देती है, वह क्या, तस्वीर कह देती है। नेक्स्ट, डायरी नितांत डेटाडेस्क रचना है, तो व्यक्तित्व रचना है। नेक्स्ट हमारा, कहानी सुनाते सुनाते सुनने सुनाने की भारतीय पद्धति को डेटाडेस्क कहते हैं, कथा कहते हैं। नेक्स्ट है, सरकारी पत्र डेटाडेस्क पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो सरकारी पत्र आप क्या है, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेटाडेस्क होता है, खजाना होता है, शब्दों का क्या होता है, खजाना होता है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे सत्तासत। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11th के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन है, ज्वाइन कर सकते हैं। इस हिंदी के कोर्स में दोस्तों आपको आरोह के काव्य खंड, गद्य खंड, वितान, अभिव्यक्ति, माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ, साथ ही कंप्लीट व्याकरण की आपकी तैयारी हो जाएगी। पीडीएफ के रूप में रहेगा, तो आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039454079 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 249 रुपये, 50% ऑफ चला, तो केवल 125 रुपये में आपको कंप्लीट आपको हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते, अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं सत्तासत में। पहला है, संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन है, तो हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, टेलीविजन सबसे प्रभावशाली व सशक्त संचार माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हमारा, इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिलाजुला रूप है, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन संचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है,
राजनीतिक दलों में चुनाव के समय आपसी तालमेल होता है तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डायरी नितांत अंतरंग है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का भी ब्यौरा प्रस्तुत करती है तो आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल निजी बातें होती है। ओके, नेक्स्ट है डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरी हमारा हमारी सबसे अच्छी दोस्त है तो ये भी हमारा क्या सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैशबैक तक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है, बिल्कुल असत हो जाएगा। फ्लैशबैक मतलब पीछे की इसमें घटनाओं को बताया जाता है। ओके, तो ये आपका असत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों का लटकाना है तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वावृत्त की भाषा शैली सरल सीधी सटीक एवं स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां बनाना किस प्रकार से बननी है। ओके, देख लेते हैं सही जोड़ियां। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ियां दी हुई है। पहला हमारा संचार प्रक्रिया की शुरुआत, संचार प्रक्रिया की शुरुआत का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका द नंबर का स्रोत या संचारक। ओके, ये हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा कुटीरीकृत थी आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ई नंबर का एनकोडिंग कहा जाता है। ओके, एनकोडिंग को हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्राप्तकर्ता या रिसीवर तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीकोडिंग। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पूजा या प्रार्थना करना तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों अंतर्व्यक्तित्व संचार हमारा चौथा। नेक्स्ट हमारा भीम बैठकर की गुफा चित्र हो जाएगा आपके। तो यहाँ आपका क्या है क्लियर देख लीजिए, यहाँ आपका गलत हो गया है, बाकी आपका ये होगा इसमें अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये पांचवा। नेक्स्ट हमारा यूएनआई हमारा क्या है, ये दैनिक समाचार हेतु एजेंसी होगी तो जाए साथ में। ये आपका गलत छप गया है, बाकी आप समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग साड़ी क्लासेस, सबसे पहले आपको आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है स्वलेखन। ओके, तो स्वलेखन का हमारा हो जाएगा दोस्तों डायरी। ओके, मतलब स्वयं हम लिखते हैं डायरी को। नेक्स्ट डायरी ऑफ द यंग गर्ल तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एनी फ्रैंक ने लिखी है। नेक्स्ट हमारा पहली मूक फिल्म है तो मैं आपको बताई चुका हूँ पहली मूक फिल्म कब आपकी जारी हुई थी तो 1913 में आपकी जारी हुई थी। ओके, और जो आपकी बोलती फिल्म है वो 1913 ओके 13 को उल्टा आप कह देंगे 33। ओके, नेक्स्ट हमारा अनुस्मारक, तो अनुस्मारक का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मरण पत्र होता है या रिमाइंडर, ये हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है नियोक्ता को आकर्षित करता है तो नियोक्ता को क्या आकर्षित करता है स्वव्रत करता है तो पांचवा हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना हो जाएगी आपकी, इसका राइट आंसर आपका विश्वकोश, इसका विश्व ज्ञान कोश राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन हमारा भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, देवऋषि नारद को माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, उद्यंत मार्तंड है। नेक्स्ट है महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक कौन थे तो संजय का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ तो 1 अप्रैल 1976 में अलग हुआ, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट है सिनेमा का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। नेक्स्ट है तत्परकता का संबंध किससे होता है तो आधिकारिक तथ्यों से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीट से क्या है तो बीट क्या होते हैं संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाना बीट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है पटकथा की मूल इकाई क्या है दृश्य। ओके, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है बैठक के निर्णय को किसके माध्यम से सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है तो प्रेस विज्ञप्ति से। नेक्स्ट है बैठक में पूरी तैयारी से आने के लिए क्या भेजी जाती है, कार्यसूची भेजी जाती है। नेक्स्ट है अनुस्मारक के रूप में किसका हवाला दिया जाता है, पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है, स्वव्रत के आधार पर चुनती है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द होते हैं तो 5 लाख लगभग शब्द होते हैं शब्द है। ओके, नेक्स्ट हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है, पैरों में पंख बांधकर, ये आपकी डायरी हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है अभिव्यक्ति और माध्यम के कंप्लीट आपको क्या है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से आप जुड़ गया। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।